नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरुंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं आगरा। सुबह के समय 5:30 बजे हैं। आप देखते हैं ये डाट मंदिर की गुफा। वैसे तो इसकी सुरंग भी बन गई है, दूसरी बाईपास बन गया है, लेकिन हम ये था कि चलो दर्शन कर लेंगे, इस वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं। और मौसम आप देख ही सकते हैं कितना सुहावना हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। ये हम बीच में रुके थे हल्दीराम पर, जो कि मेरा तो मुजफ्फरनगर हाईवे पर है। तो आप देख सकते हैं हमने डोसा और छोले भटूरे मंगाए हैं, तो हम लोग ये खा रहे हैं। और मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर है बना हुआ है। यहाँ पर आपको हर वैरायटी का खाना मिलेगा, जो भी आप खाना चाहे वो सब मिलेगी। यहाँ पर नुक्कड़ चाय है, इसकी चाय भी बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर है। आपको जाकर बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को तो यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है। फ्रेंड्स, अंदर से देखिएगा आप, ये है बाहर से हल्दीराम का व्यू। यहाँ पर मोस्टली भीड़ ही रहती है। तो अंदर से देखिए, यहाँ पर आपको एक क्राफ्ट की दुकान है, हैंडक्राफ्ट की। और ये देखिए सुंदर भी कितना लगता है देखने में। यहाँ पर आपको बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर आप 3-4 घंटे भी एक्सपेंड करना चाहें तो यहाँ पर आराम से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हाईवे है। और ये हम ताज होटल पहुँच गए हैं। तो ये आगरा का ताज होटल है। ये देखिए, यहाँ से हम जब अंदर जाते हैं तो इसका अंदर से व्यू भी बहुत सुंदर है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जो गार्डनिंग की गई है वो बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, आपको लग ही रहा है कि कितनी सुंदर गार्डनिंग हो रखी है। आपको गार्डनिंग ना केवल बेस में, अदरवाइज ग्राउंड फ्लोर पर ही नहीं, आपको टॉप फ्लोर पर भी गार्डनिंग इसकी बहुत ही सुंदर मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में इसका सेकंड फ्लोर और टॉप फ्लोर भी दिखाऊंगी, जहां पर पूल के साथ गार्डनिंग की गई है। वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, उसको आपको देखने में एक अलग ही मज़ा आएगा, एक अलग ही आनंद आएगा। तो गार्डनिंग देखिए, हर जगह इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं ताज होटल में, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, एक ताज होटल की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 10 बार भी जाएंगे तो वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो आपको नमस्कार ज़रूर करेंगे। तो ये इसका अंदर का मेन हॉल, जहाँ एंट्रेंस हॉल जिसे हम कहते हैं, तो ये रिसेप्शन है। यहाँ पर आप क्वेरी के लिए पूछ सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इसमें जो सीटिंग ग्राउंड फ्लोर में, जो इसकी लॉबी है उसमें 2-3 होल बने हुए हैं, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं। आप कुछ वेट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। आप देख ही सकते हैं ये कितना सुंदर है और इसकी लाइटिंग भी कितनी सुंदर है। यहाँ पर सोफे वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको बैठ कर अच्छा लगता है, कलरफुल सा लगता है। और यहीं से आप ये व्यू देख सकते हैं बाहर का, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। बैठकर अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो बैठने में और भी मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चेकिंग हो भी आप संभाल के आते हैं। अब मैं आपको अपने रूम में ले चलती हूँ। हमारा रूम नंबर है 448, यानी कि हम 4th फ्लोर पर हैं। तो देखिए आप मेरे साथ मेरे रूम को कि आपको ये कैसा लगता है। फ्रेंड्स, ताज होटल है तो नीट एंड क्लीन तो होगा ही। रूम इसका अच्छा है, सुंदर है। आप यहाँ से देखिए कर्टेन हटाकर व्यू भी देख सकते हैं। व्यू देखने में ऊपर से बहुत ही सुंदर लगता है। आपको बाहर से ताज होटल इतना बड़ा नहीं लगेगा जितना कि आपको व्यू देखने में अच्छा, जब आप कर्टेन से देखते हैं, अपनी बालकनी में से देखते हैं, तब आपको बड़ा लगता है। तो यहाँ पर इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, इसके जो खाने की है, ये देखिए आप टी कॉफ़ी कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको पाउचेस दे रखे हैं बहुत सारे, ये छोटे छोटे पाउच में दूध है। फ्रेंड्स, आप इसमें से अपनी टी कॉफ़ी बना सकते हैं। ये इसका बाथिंग एरिया है। तो यहाँ पर हेयर ड्रायर ये सब मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको देखिए सोप है, सोप इनके बहुत हाई क्वालिटी के हैं, जो ये आपको दे रखे हैं। हेयर कंडीशनर, हेयर क्लीनर, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और ये बहुत साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, तो आप इसे चेक कर ही सकते हैं। ये इसका वॉशिंग एरिया है। फ्रेंड्स,
इसके साथ यहाँ पर एक बेसिकली आपको ब्रशेस पेस्ट वगैरह भी आपको दिए हुए रखते हैं। ये नाइट पार्टी का व्यू है जो कि ताज होटल में हो रही है। तो यहाँ पर सिंगर आए थे फ्रेंड्स, ये है टॉप व्यू, टॉप फ्लोर। ये ताज होटल का टॉप फ्लोर है, आपको बेसिकली टॉप फ्लोर से ताजमहल दिखता है। यहाँ से ताज होटल के टॉप व्यू से आप ताजमहल के भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ हम ताज होटल में हैं। ये इसका व्यू इतना सुंदर है, ऊपर का टॉप फ्लोर यहाँ का फ्रेंड्स बहुत सुंदर, बिल्कुल अमेजिंग है। जो पूल बना रखा है, फिलहाल तो पूल में एंट्री बंद है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन बहुत सुंदर है। ये यहाँ का सेकेंड फ्लोर है फ्रेंड्स, सेकेंड फ्लोर पर भी इन्होंने गार्डनिंग बहुत अच्छी कर रखी है। यहाँ पर भी एक पूल है, पूल क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से बंद है तो पूल तो बंद है, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छा बहुत लगता है। ये आगरा का मशहूर पंछी पेठा, जहाँ से हम हमेशा पंछी पेठा लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी मिलेगी और यकीन मानिए यहाँ का पेठा भी बहुत ही फेमस है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग वैरायटी का पेठा यहाँ पर आपको बड़ा मज़े आएगा पेठा खाने में। चॉकलेट पेठा है इसका, और ये पान पेठा तो बहुत ही टेस्टी है। और भी काफ़ी तरह की वैरायटी, हर तरह की वैरायटी मिलेगी, आप ज़रूर आइए। ये हमारी पिक्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें हमें बड़ा मज़ा आया था, आप इसी में इसका आनंद ले सकते हैं फ्रेंड्स। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, इसे अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। देखिए ये टॉप व्यू दिखता है ताज का टॉप फ्लोर से इसके, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।